पठानकोट के मुसलमाना के गुजर परिवारों ने अज रोस प्रदर्शन किया। उसका कारण भाजपा के एक नेता से पैगंबर से गलत टिप्पणी की सी। हालांकि बीजेपी नूपुर नू 6 साल की पार्टी तो बाहर कर दिया गया है, तो इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी उन्हों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शांति रोस किया गया कि है ये सर इस करके किया गया शांति रोस कि जो मुल्क हो रहा वो तो पहला ही हो रहा है, लेकिन उस कुछ दिनों तो जरा नवा एक प्रोपोगंडा चल रहा है कि अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे पैगंबर ने ओदी शान के खिलाफ कुछ लोगों ने भड़काऊ गल्लां करके मतलब ओदी शान के खिलाफ उन्होंने इज्जत च बहुत बड़ा फर्क पाया। इस करके अज पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान जोड़े है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जेड़े लोग इहोजा काम कर रहे हैं इन्हां ते जल्दी तो जल्दी सख्त तो सख्त कार्रवाई करके इन्हां नूं सज़ा दिती जाएगी, क्योंकि मुल्क के हालात जेड़े अगे नाजुक है। अगर इहोजे लोगों नूं अज नथ ना पाई गई तो यह कल नूं अज ते लोगों नूं तोड़ रहे कल नूं यह मुल्क नूं भी तोड़नगे। इस करके असीं चाहते हाँ कि साडी आवाज़ जिहड़ी हैगी है ये साडी आवाज़ तो सारे लोगों के नाल है। असीं हिंदुस्तानी हाँ और हिंदुस्तान के जम्मे पले हाँ और हिंदुस्तान च ही रहना असीं जद तक रहांगे, लेकिन जिहड़ियां ताकतां जिहड़ियां कुछ शरारती तत्व जिहड़े हैगे आ उह इहो जिहियां गल्लां करके साडे विच आपस च बिगाड़ करके हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे असीं इस चैनल दे राहीं सरकार नूं मैसेज देना चाहुंदे आ कि केंद्र सरकार नूं और पंजाब सरकार नूं कि साडे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ जिहड़ा इह कीता जा रिहा है कोई भी मजहब होए मजहब नहीं सिखांदा कि सानू साडे पैगंबर के खिलाफ बहुत कुछ सुनन नूं मिल रहा है। असी खास करके पंजाब केंद्र सरकार नूं अपील करदे हां कि साडा शांत यह प्रोग्राम देख के सरकार चुप्पी ना वट ले। असी इह सरकार नूं बेनती करनी चाहुंदे हां और सरकार नूं उम्मीद भी करदे हां कि इस इन्हां व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहीदी है, नहीं तो इन्हां दी रीस करके कल नूं इह किसे मजहब नूं भी भड़का के अगे लै सकदे आ। असी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असी सारे भाई भाई सारे रल के शांतमई नाल अपने कारोबार करदे पए आ। असी पंजाब सरकार नूं भी अपील करदे आ कि साडे नाल जिहड़ा ये पक्ष रखिया जा रहा नहीं रखना चाहिए। अज दे रोश करन दा की कारण है? मैं इमाम मस्जिद कोटली मस्जिद बरकत अली असी प्रशासन दे थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि मजहब के तहत जो आवाज़ चुकी गई है यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अल्फाज कहे गए हैं यो अल्फाज है जो मजहब के तहत नाकाबिले बर्दाश्त है, यो अल्फाज है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अज ये लोग वो जो मजहब के तहत आवाज़ चुकन दे दे है अज ये लोगों को तोड़न दे दे कल ये लोग देश को भी तोड़नगे। जाहिर बात है अगर अज ये लोग इस तरीके ना लोगों को तोड़ तोड़ के, लेकिन ये इदा के चंद लोग है मजहब की गल बात आती है, लेकिन सब तो पहले इंसानियत है। इंसानियत के धार से किसी को यह शोभा नहीं दिता कि लोगों के अंदर फिलका वारियत करके लोगों को तोड़ा जाए। इसलिए असं प्रशासन के सामने यही मंग करने कि प्रशासन के सामने ये मंग करके कि जेडे अल्फाज कहे गए हैं तो इन्हों के उपर सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए।